Hello and welcome. Maharashtra has passed the half mark now and two of the phases remain. And today I have with me a very special guest. I have someone who has played an instrumental role in forging unforeseen political combinations in Maharashtra. Someone who was recently praised by the Prime Minister for the kind of sacrifices he made for the party, and someone, probably one of the only two politicians in Maharashtra who has been able to complete an entire term as the Chief Minister, who continues to pivot the Mahayuti alliance in Maharashtra. I have with me BJP's senior leader and Maharashtra's Deputy Chief Minister, Devendra Fadnavis. Sir, thank you so much for speaking to CNN News 18. Thank you so much. We are halfway past. 24 सीटें निकल चुकी हैं, दो फेजेस बची हुई हैं. सबसे मुख्य जो महत्वपूर्ण बैटल्स हैं, कुछ हो गए हैं, काफी सारे रह गए हैं. क्या लगता है आपको, हाउ डू यू सी द बैटल फॉर भारत एंड हाउ डू यू सी महाराष्ट्र फिटिंग इनटू दैट पजल? महाराष्ट्र इसमें क्या लेके आएगा? देखिए, पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें देश एक मन बना चुका है और भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर तो आइलैंड तक, सब जगह लोगों ने मन बनाया कि वापस मोदी जी को हमें भारत सौंपना है. और उसकी एक वेव, एक अंडरकरंट हमको दिखाई पड़ता है और वही अंडरकरंट या वही मानसिकता महाराष्ट्र में भी हमको दिखाई पड़ती है. तो मेरा पूरा विश्वास है, अभी 24 सीटें हो गई, परसों 12 सीटें और हो जाएगी, फिर हमारी 12 सीटें बचेगी. इन 24 सीटों का मेरा अनुभव यह रहा है कि पीपल आर वोटिंग फॉर मोदी जी. सो डज दिस मीन दैट यू नो द काइंड ऑफ स्लोगन दैट द बीजेपी हैड गिवन, द महायुति हैड गिवन इन द बिगनिंग, दैट इट विल बी अ 40+ और अ 45+ इन महाराष्ट्र एंड दैट विल एड टू मिशन 400 ऑफ द बीजेपीज ओवरऑल टैली, डू यू सी दैट पिक्चर स्टिल इन सिंक? एब्सोल्युटली सी दैट. मुझे ये लगता है कि पिछले समय हमको 41 सीटें मिली थी, 41 सीट्स, हम लोग उस नंबर को पास करेंगे. हम लोग 41 से ज्यादा सीटें लेंगे और निश्चित रूप से 40+ का जो हमारा नारा है वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई पड़ता है महाराष्ट्र में. सर, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि 40+ एक बहुत ही अनयूजुअल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के साथ. इससे पहले राष्ट्रवादी आपके साथ कभी जुड़ी नहीं थी, शिवसेना का एक गुट आपके साथ है, एक गुट नहीं है. और मविया को अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि हमको कम से कम 30 से 35 सीटें मिलेंगी. तो अगर हम ये समझे कि थोड़ा बहुत इसमें एग्जेजरेशन भी है, इफ वी कंसिडर दैट 25 to 30 इज व्हाट दे आर लुकिंग एट फॉर देमसेल्व्स, हाउ डू यू सी द ऑपोजिशन फेयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू? देखिए, मैंने भी सुना पवार साहब ने कहा हमको 35 सीटें मिलेगी, तो मैं पवार साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम 13 सीटें तो हमारे लिए उन्होंने दे दी. मतलब ही हैज बीन वेरी काइंड टू अस, ही हैज गिवन अस 13 सीट्स एटलीस्ट. कि महाराष्ट्र में कोई फेरबदल नहीं होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है. महाराष्ट्र पिछले दोनों चुनाव में मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ और अलायंस के साथ था, इस बार भी रहने वाला है. हाँ, ये जरूर है कुछ कॉम्बिनेशंस बदले हैं. पहले उद्धव जी साथ में थे, अब शिवसेना हमारे साथ में है, लेकिन लीडर इज एकनाथराव शिंदे. राष्ट्रवादी हमारे खिलाफ होती थी, अब राष्ट्रवादी हमारे साथ में, लीडर इज अजीत पवार. ऑफ कोर्स शरद पवार जी हमारे खिलाफ लड़ रहे, इस बार एमएनएस भी हमारे साथ में है और बाकी भी एक बड़ा कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है. तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जब हम लोग एक पॉलिटिकल अर्थमेटिक को देखेंगे तो उसमें ध्यान में ये आता है कि अल्टीमेटली बीजेपी को एक सेंटर पोल इस रूप में देखा जा रहा है और हमारी सारी साथ वाली पार्टियां मिलाकर एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है जो ये चुनाव जीतेगा. सर, यू हैव योरसेल्फ हेल्ड ओवर 70 रैलीज इन द स्टेट टिल नाउ, यू आर क्लोजली इंचिंग टू अ सेंचुरी. बाय द टाइम वी फिनिश द इलेक्शंस यू वुड हैव फिनिश्ड 100 रैलीज. दिस इंडिकेट्स द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दैट नॉट जस्ट द महायुति बट ऑल्सो द इलेक्टोरेट हैज ऑन यू. वॉट डू यू सी इन टर्म्स ऑफ द अनयूजुअल प्लेसेज वेयर द फाइट्स विल इमर्ज दिस टाइम ऑन?
maybe a place like Baramati, where we are seeing that a Pawar is fighting a Pawar and NCP faction is fighting another NCP faction. Extremely unusual fight for the first time. We are seeing in Thane again a Sena versus a Sena battle. Similarly in Kalyan, several such faces in Mumbai. We are seeing Mumbai South Central. How do you see these battles panning out? For political pundits, ये बारामती का बैटल तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप शरद पवार साहब की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए या उनके उस बयान को देख लीजिए, उसका इंटरप्रिटेशन कीजिए कि जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि इस चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय दल ये कांग्रेस में मर्ज होंगे। तो आप अगर पवार साहब का इतिहास देखेंगे तो जब भी पॉलिटिक्स में वो कमजोर हुए हैं, ही हैज मर्ज्ड इनटू कांग्रेस, फिर जब वापस उन्होंने अपनी ताकत को रीगेन किया तो वो बाहर निकले, ऐसा उन्होंने 3-4-5 बार किया हुआ है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि बारामती उनके हाथ से निकल गई और बारामती ने अजीत दादा को, अजीत पवार जी को एक प्रकार से साथ दे दिया है। जहां तक आप थाने और कल्याण की बात करते हैं, वहां बीजेपी और शिवसेना, शिंदे जी की शिवसेना, हम इतने ताकतवर हैं कि हम लोग भारी मतों से दोनों जगह जीतेंगे। यानी मैं आपको कहता हूं कि आप ये समझ लीजिए 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख वोटों से हम दोनों सीटें जीतेंगे। और नॉर्थ सेंट्रल की बात जो आप कह रही है, नॉर्थ सेंट्रल हमने 14 में भी जीता, 19 में भी जीता, और इस बार हमने वहां पर एडवोकेट उज्ज्वल निकम जी को सीट दी है। उज्ज्वल निकम जी को एक नेशनलिस्ट लॉयर के रूप में देखा जाता है, हालांकि उन्होंने बहुत पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से कभी काम नहीं किया है, बट ही हैज बीन अ नेशनलिस्ट। एक ऐसे अधिवक्ता वो रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी में, ही हैज बीन अ प्रोसिक्यूशन लॉयर, उन्होंने कभी क्रिमिनल की ब्रीफ नहीं ली और देश की प्रमुख केसेस में सरकार की ओर से लड़ते हुए देश के दुश्मनों को सजा दिलाने का काम उन्होंने किया है। बट सर, इट इज द सेम उज्ज्वल निकम हु इज नाउ बीइंग टारगेटेड बाय द कांग्रेस, हु इज बीइंग कॉल्ड अ ट्रेटर बिकॉज इट्स बीन क्लेम्ड दैट वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड एंड वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर्स हु लॉस्ट हिज लाइफ इन द 2611 अटैक्स, हेमंत करकरे, died not by the bullets of Kasab or any other terrorist, but by the bullet of another police officer, and that he hid the fact during trial. देखिए, इससे बड़ी बेशर्मी और देशद्रोह दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की जबान में कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। पाकिस्तान ने यही बात कही थी कि कसाब बेकसूर है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत छोटा सा मेरा सवाल है। घटना हुई 26/11/2008 को, 26/11/2008 से जुलाई 2014, 6 साल तक देश में कांग्रेसी सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेसी सरकार थी। तो अगर यह बात सच होती तो क्या छुपा कर रखी थी, क्या उन्होंने छुपाई थी? देखिए, इसी प्रकार से पाकिस्तान ने प्रयास किया इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को डिफेंड करने का, लेकिन वो सफल नहीं हुए, क्योंकि उज्ज्वल निकम जी ने जिस प्रकार के सबूतों को लाया, और मैं मुख्यमंत्री था उस समय, अमेरिका में जाकर स्पेशल परमिशन लेकर वहां पर जो क्रिमिनल है, उन लोगों से जो इसके मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स है, उनसे भी सारे सबूतों को उज्ज्वल निकम जी ने प्राप्त किया और उसके चलते कसाब को फांसी हुई। तो मुझे यह लगता है कि अब पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज्ड है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि 26/11 का हमला पाकिस्तान ने किया था। और हमारे देश में अगर कोई ये कहे कि नहीं जी, कसाब तो बेकसूर है, और कितने बेशर्म लोग है, कसाब को बेकसूर कहते और कहते उज्ज्वल निकम जी ने कसाब को बदनाम किया। अरे बेशर्मो, तुमको कसाब के
बदनामी की चिंता है, हमारे हेमंत करकरे जी, हमारे कामटे जी, हमारे साळसकर जी, हमारे तुकाराम ओंबळे जी, जिनको बेरहमी से मार दिया, उनकी शहादत पर आप सवाल उठा रहे हो, ये बेशर्मी है, ये देशद्रोह है। Do you think that this kind of a stance will end up being helpful to Pakistan? 100%, क्योंकि अल्टीमेटली जब ऐसी बातें देश में कही जाती है तो पाकिस्तान तो इंटरनेशनल फोरम पर रखता है कि देखिए उनके ही देश के लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि कसाब ने नहीं मारा है, तो देखो इंडिया झूठा प्रोपोगंडा कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी को कभी देशद्रोही ऐसा कहता नहीं हूं, लेकिन इस प्रकार की बात करना तो देशद्रोह है। सर, एक तरफ कांग्रेस के नेता ऐसा कहते हैं, दूसरी तरफ हम मणिशंकर अय्यर को देखते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास बम है तो भारत ने उससे डरना चाहिए। हाउ डू यू सी सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कमिंग इन फ्रॉम कांग्रेस इन जनरल? वी सॉ सैम पित्रोदा टॉक, नाउ वी आर सीइंग मणिशंकर अय्यर स्पीक, वडे टिवार स्पोक हियर, हाउ डू यू सी ऑल दीज स्टेटमेंट्स? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, राजनीति में देर आर अप्स एंड डाउन्स। हमने भी एक्सपीरियंस किया है, एक समय इंदिरा जी की हत्या के बाद 2 सीटें आई थी हमारी, लेकिन फिर भी हमने राष्ट्रवाद नहीं छोड़ा, हमने देश के खिलाफ बातें नहीं की, अपने देश को नीचा नहीं दिखाया। हमने उस समय भी अटल जी के नेतृत्व में, अडवाणी जी के नेतृत्व में देश सर्वोपरि की बात करी, और जब भी आवश्यकता पड़ी तो हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए अपने देश के लिए। लेकिन 2 बार हारने के बाद कांग्रेस और विपक्ष डैमेजिंग मोड में है। अब इनको न देश की पड़ी है, न समाज की पड़ी है, इनको केवल यह लगता है कि कुछ भी करे और मोदी जी को हटाए, और चुनिंदा गालियां मोदी जी के लिए निकालते हैं, और ये सारी चीजें करते हुए वो ये नहीं समझते कि हमारे देश का वो अपमान कर रहे हैं, इस देश को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की हिम्मत हुई भारत में आतंकवाद दी गतिविधियां करने की? ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कश्मीर के अंदर 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेगी। हुई किसी की हिम्मत खून की नदियां बहाने की? जिनको अपने देश पर न गौरव है, न जिनको अपने देश का स्वाभिमान है, ऐसे ही लोग इस प्रकार की बात कह सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है, चाहे इनकी बात हो या फिर सैम पित्रोदा ने जो बात कही, ये तो भारत के जन जन को अपमानित करने वाली बातें। ये दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। जिन देशों की वो बात करते हैं, उन देशों में जिसमें सिविलाइजेशन नहीं थी, तब भी भारत में सिविलाइजेशन है। और ये सारे साक्ष्य आज आर्कियोलॉजिकली और डीएनए के माध्यम से भी प्रूव हुए। और आप ये कहते हो कि भारत के उत्तर के लोग अरब से आए हैं और पश्चिम के लोग और यूरोप से आए हुए, और कोई लोग चीनी है और कोई लोग अफ्रीकन है। रंग के आधार पर इस प्रकार से भेद करना और भारत की नस्ल को अपमानित करना, ये कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है? ये कौन सा चुनाव है? ये कितनी बेशर्मी है? मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने समाज और देश का विचार बंद कर दिया है। सर, आपने बात करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहना, ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा हो चुका है। वी हैव सीन दैट दिस हैज हैपेंड इन महाराष्ट्र एज वेल, एंड जस्ट यस्टरडे व्हेन द प्राइम मिनिस्टर वाज इन महाराष्ट्र, ही स्पोक अबाउट इट, ही इनफैक्ट गेव अ रिप्लाई टू इट। ही इज बीइंग कंपेयर्ड टू औरंगजेब, ही इज बीइंग कॉल्ड द प्रोजेनी ऑफ औरंगजेब, एंड यू नो ही इज बीइंग कॉल्ड समवन हु इज ट्राइंग टू कम एज एन एडवेंट ओवर महाराष्ट्र, टू ट्राई एंड कॉन्कर महाराष्ट्र। गाड़ने की बात कही जिसके बारे में मोदी जी ने उसको रिप्लाई दिया, तो इस प्रकार के जो कमेंट्स हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बहुत साफ शब्दों में कहूंगा, सन्माननीय उद्धव ठाकरे जी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं बहुत मतलब इसके साथ कह रहा हूं कि उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जिस प्रकार के भाषण वो कर रहे हैं, डीरेल हो गए वो, उनका दिमाग डीरेल हो गया है। देखिए, जिस प्रकार की, जिस भाषा का उपयोग वो कर रहे हैं,
ये देश के चुनाव में इस प्रकार की भाषा नहीं होती है, ये गली का चुनाव है, ये लोग ग्राम पंचायत के चुनाव का भाषण कर रहे हैं, और जितनी गालियां देंगे उतने लोग मोदी जी को वोट करेंगे, और इन्होंने बाकी लोग जो छोड़े हुए हैं जो मोदी जी को गाली देते उनकी औकात ही नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे खुद कह रहे हैं कि मोदी जी के हेल्थ की केयर करनी चाहिए भाजपा ने, बीजेपी शुड टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज वॉट यू हैव सेड इज एग्जैक्टली वॉट उद्धव ठाकरे इज टॉकिंग अबाउट द प्राइम मिनिस्टर अगेन। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट ही नीड्स हेल्प, ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। उनको एक प्रकार से ये जो सरकार बदली है उसके ट्रॉमा से वो बाहर नहीं निकले, ही इज लिविंग इन इल्यूजन। एक उन्होंने अपना इल्यूजनरी वर्ल्ड तैयार किया है जिसमें रहकर वो भाषण कर रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है, देखिए भले ही वो हमारे अपोजिशन पार्टी के हो पर डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी भी थोड़ी तो मैच्योर होनी चाहिए, इतनी मैच्योरिटी की बात वो करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ही नीड्स हेल्प। बट सर, इन दिस होल कैंपेनिंग अमंग द फ्यू थिंग्स दैट ही हैज सेड, ही हैज ऑल्सो क्लेम्ड दैट यू हैड प्रोमिस्ड दैट यू विल ग्रूम आदित्य ठाकरे टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, द एंटायर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इन फैक्ट विद द काइंड ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट दैट हैव हैपेंड इन महाराष्ट्र ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, देर इज एक्सट्रीम क्यूरियोसिटी अबाउट द पॉलिटिकल सिचुएशन इन महाराष्ट्र। वॉट हैड हैपेंड बिहाइंड दोज क्लोज डोर्स, वॉट वर द प्रोमिसज दैट यू गेव? अभी मैं तो आपको पूछना चाहता हूं, पहले कहते थे अमित शाह जी ने हमको वोट दिया, अब छह साल बाद कहते हैं देवेंद्र फडणवीस ने वोट दिया। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, सच बोलने के लिए विचार नहीं करना पड़ता, और झूठ बोलने के लिए और झूठ बोलने पड़ते, फिर और झूठ बोलने पड़ते, और झूठ का पर्दाफाश होता ही है। ऐसे इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है, इनके साथ कभी भी सीएम पद की बात नहीं हुई थी, ये उनको भी पता है। उन्होंने भी अपनी सभाओं में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे इस बात को कहा है। हम लोग जब उनके घर गए उससे एक दिन पहले ये तय हो गया था सीएम के पद के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, दैट इज क्लोज्ड। हाँ, मंत्रियों की संख्या या बाकी चीजों पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, वो चर्चा हमने की भी, सीएम पद की कोई चर्चा हुई नहीं, न अमित भाई ने न मैंने कभी उनको कोई वादा किया था। लेकिन जैसे ही नंबर गेम फंसा और सोनिया जी भी तैयार हुई तो उन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोपा, क्योंकि उद्धव ठाकरे आज से नहीं 2004 से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आज नारायण राणे क्यों गए बाहर? क्योंकि 2004 के चुनाव में विधानसभा के बीजेपी शिवसेना की हालत बहुत अच्छी थी, हम लोग सरकार बना सकते थे, लेकिन चूंकि नारायण राणे लीड कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री बनेंगे इनके पर काटिए, उनके पास के 10 20 25 लोगों की टिकटें काट दी उद्धव ठाकरे जी ने, परिणाम ये हुआ हमारे हाथ से चुनाव निकल गया। तो ये उस समय से उनका सपना था जो आज जाकर जैसे उनको मौका मिला तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे पीठ में खंजर घोपा और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे जी ने बार बार ये बयान दिया था, जिस दिन मेरी शिवसेना को कांग्रेस के साथ जाने की नौबत आएगी मेरी शिवसेना का दुकान बंद करूंगा। अब मुझे बताइए उसके बाद कांग्रेस के साथ जाने वाले उद्धव ठाकरे जी, ये उनके संपत्ति के वारिस तो हो सकते हैं लेकिन उनके विचारों के वारिस नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नारायण राणे के साथ हुआ वही विचार एकनाथ शिंदे के साथ भी था और इस वजह से जो महाराष्ट्र में घटा वो हुआ? 100% वही हुआ। देखिए एकनाथ शिंदे जी एक बहुत ही लॉयल शिवसैनिक है और बाला साहब को मानने वाले हैं, वो कभी शिवसेना से किनारा नहीं करते, कभी बाला साहब ठाकरे या उद्धव ठाकरे जी के शब्दों के बाहर कभी नहीं जाते, चाहे कोई अन्याय सहन करना पड़े। लेकिन जब आदमी के अस्तित्व को नकारा जाता है या चैलेंज किया जाता है तो आदमी को जीना पड़ता है, वही उनके साथ हुआ। उनको मिनिस्टर के रूप में जब जिम्मेवारी मिली तो धीरे धीरे उद्धव जी के ध्यान में आया कि जो सारे एमएलए हैं एमएलए को ये संभालते हैं,
उनकी तकलीफों में उनको एकनाथ शिंदे अवेलेबल है, उनकी अड़चने एकनाथ शिंदे दूर करते हैं। एक नेचुरल इंक्लिनेशन एमएलएस का एकनाथ शिंदे जी की तरफ था। उद्धव जी को आदित्य ठाकरे जी को प्रोजेक्ट करना था। उनको यह डर सताने लगा कि एकनाथ शिंदे अगर इतने पावरफुल होंगे और इतना उनका समर्थन बढ़ेगा तो मैं आदित्य ठाकरे को बाद में प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और फिर उनका अपमान करना भी शुरू किया। उनके डिपार्टमेंट की बैठक एकनाथ शिंदे जी की, सीएम करके अगर उद्धव जी ले तो समझ सकते हैं, सीएम को पावर होते, सीएम नहीं लेते थे। बिना एकनाथ शिंदे को बुलाए उनके डिपार्टमेंट की बैठकें आदित्य ठाकरे लेते थे। और फिर शिंदे जी के ध्यान में आया कि एक और पर काटे जा रहे हैं और दूसरे और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने से हमारी जमीन भी खिसक गई है, तो हमारा तो अस्तित्व समाप्त होने वाला है और बाला साहब के जो विचार है उसको बचाया नहीं जा सकता। तब जाकर वो बाहर निकले और हमारे साथ आए। लेकिन पिछले 2.5 सालों से तो उनको गद्दार ही कहा जा रहा है। देखिए, मैं साफ शब्दों में कहता हूं, गद्दारी अगर किसी ने की है तो बाला साहब के विचारों से गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की है। तो आपको लगता है कि चाहे एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, दोनों ही के बारे में ऐसा हुआ है कि उनकी जो लीडरशिप थी, उनका जो मास बेस था, वो कंसिडर नहीं किया गया? देखिए, कई बार ये जो फैमिली ओन्ड पार्टी होती है इसमें फैमिली फर्स्ट ऐसा निर्णय होता है और फिर फर्स्ट फैमिली फर्स्ट ऐसा भी निर्णय होता है। तो मुझे लगता है कि शिवसेना में एकनाथ शिंदे जी फैमिली फर्स्ट के शिकार हुए और एनसीपी में अजीत पवार जी फर्स्ट फैमिली फर्स्ट के शिकार हुए। दोनों में गुण थे, ताकत थी, पार्टी चलाते थे, चला रहे थे, लेकिन चूंकि नेताओं के सुपुत्र या सुपुत्री वो नहीं थे इसलिए उनके साथ अन्याय हुआ। So that's an interesting thing you say, but you know, recently the Prime Minister came to Maharashtra and gave an open offer to both Sharad Pawar as well as Uddhav Thackeray, saying that instead of merging with Congress, come join hands with the NDA. How do you see this offer being rolled out? देखिए, मैं आपको दोष नहीं दूंगा, पर overall media का interpretation ही गलत है। ये offer नहीं है, ये सीख है, ये suggestion है। क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बारामती के चुनाव के बाद शरद पवार जी के ध्यान में आया है कि बारामती चुनकर नहीं आएगी, इसलिए शरद पवार जी ने यह स्टेटमेंट दिया कि 4 जून के बाद क्षेत्रीय पार्टियां ये कांग्रेस में विलीन होगी। और चूंकि उद्धव जी के फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड शरद पवार जी है, तो उद्धव जी की पार्टी वो कांग्रेस में विलीन करना चाहते, और फिर उन्होंने उनको सलाह दी कि अरे भाई क्या करोगे, वो भी डूबती नहीं आए, कांग्रेस में जाके तुम कुछ नहीं कर पाओगे, उससे अच्छा ये है कि अभी भी आप निर्णय करो, अजीत दारा को पार्टी सौंपो उनके साथ आ जाओ, शिंदे जी को पार्टी सौंपो उनके नेतृत्व में आ जाओ, तो कम से कम आपके सपने तो पूरे होंगे। तो ये कोई ऑफर नहीं है, सीख है, ये सजेशन है। तो अगर ये सीख है, सजेशन है, तो अगर उन्होंने ये सीख या सजेशन मान ली तो क्या उनके लिए दरवाजे खुलते हैं? देखिए, पॉलिटिक्स में मान ली तो क्या होगा, नहीं मानी तो क्या होगा, इस पर जवाब नहीं दिया जा सकता। निर्णय होगा उस समय जवाब दूंगा। एक तरफ शरद पवार ने उसी पर रिस्पॉन्ड करते हुए कहा है कि इस चीज की कोई भी संभावना नहीं है और भाजपा की जो विचारधारा है उससे वो कभी मेल खा नहीं सकते, वो गांधी नेहरू की विचारधारा पे कायम रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अजित पवार हो, प्रफुल्ल पटेल हो, प्रफुल्ल पटेल तो कुछ दिनों पहले जब मेरे साथ इंटरव्यू में थे तब भी उन्होंने कहा कि काफी सारे राउंड्स ऑफ टॉक्स हैपेंड वर इनिशिएटेड एट द इंस्टेंस एंड बिहेस्ट ऑफ शरद पवार वेर ही आस्क्ड देम टू कम एंड होल्ड राउंड्स ऑफ टॉक्स विद द बीजेपी। डू यू सी दिस एज यू नो एन इनकोहेरेंस? देखिए, इनकोहेरेंस से भी आगे बढ़कर मैं कहता हूं, शरद पवार जी इस बात के लिए जाने जाते हैं कि वो जो कहते हैं उसका इंटरप्रिटेशन कुछ दूसरा होता है और जो कहते हैं उसका बिल्कुल उल्टा वो कई बार करते हैं। मैं आपको
थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता हूं। शरद पवार जी सबसे पहले महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। कैसे बने? वसंत दादा की सरकार को नीचे खींचकर। किसके साथ बने? भारतीय जनता पार्टी के साथ, जनसंघ के साथ। उनकी शुरुआत ही हमारे साथ हुई है, हमारे मदद से वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और इंदिरा जी ने 1980 में उनको बर्खास्त कर दिया। और शरद पवार जी जब जब कमजोर होते हैं वो कांग्रेस में एंटर करते हैं और जैसे मजबूत होते हैं कांग्रेस से बाहर निकलते हैं। चार बार उन्होंने ये किया है, लगातार किया है। वो खुद कहते हैं मैंने 5 पार्टियां बनाई। कहां बनाई? कांग्रेस से निकलकर ही बनाई ना। 5 बार वो कहते हैं मैंने अलग अलग सिंबल पे चुनाव लड़ा, कांग्रेस से निकलकर ही किया ना, और वापिस कांग्रेस में ही गए। तो इसलिए ये जो गांधी नेहरू वाली बात कहते हैं ना, अरे भाई आप एज ए चीफ मिनिस्टर, आपकी पैदाइश एज ए चीफ मिनिस्टर बीजेपी के कारण हुई, बीजेपी के और जनसंघ की मदद से आपकी हुई है। इसलिए मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं आप लोग बहुत सीरियसली मत लीजिए। What do you see as the prediction for both these regional forces which are now divided into two parts? One is with you, one is in your opposition. The one in your opposition, how do you see them faring in these Lok Sabha elections? देखिए, इस Lok Sabha चुनाव का टोन सेट हो गया है। महाराष्ट्र में लोगों ने मोदी जी के साथ जाना तय कर लिया है। हमारा अपना मानना यह है कि पिछले बार जो सीटें हमको मिली उससे एक सीट हमको ज्यादा ही मिलेगी, कम नहीं मिलेगी। और अभी महाराष्ट्र में अलायंस का पॉलिटिक्स इज देयर टू स्टे। और हम लोग, हमारे साथ जो दोनों पार्टियां हैं उन पार्टियों को ताकत देंगे और उनके साथ ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। So that was my next question and you preempted it because there are several political pundits who have said that the political equations in Maharashtra are likely to change after the 2024 Lok Sabha elections and maybe the alliances will not last. Political pundits have always proven wrong in Maharashtra. We proved them wrong in 2014, we proved them wrong in 2019, we'll prove them wrong in 2024. Sir, one last question, and this is with respect to Arvind Kejriwal. Arvind Kejriwal walked out of prison yesterday and he said he's out to fight the dictatorial tendency and the dictatorial forces. How do you see this statement? It's a rhetoric. देखिए, ये लोग इसी प्रकार की बातें हमेशा करते हैं। इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र को लगातार बार बार चैलेंज करने का काम इन्हीं के विचारों के लोगों ने किया है। लेकिन ये लोकतंत्र की दुहाई देंगे, इनके खिलाफ कोई जाए तो उसको किसी भी सूरत में जाकर खत्म करेंगे, लेकिन ये लोकतंत्र की दुहाई देंगे। सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल जी जो बाहर आए हैं, ही इज ऑन इंटरिम बेल, ही हैज टू सरेंडर ऑन 2nd of June। There is a prima facie case established against him. That's why he didn't get a regular bail. Had there been no prima facie case, he would have got regular bail. And there are conditions in the bail which he got. और ये conditions ये है कि वो मुख्यमंत्री पद का अपना कोई काम नहीं कर सकते। तो सीधे सीधे prima facie evidence है, इसीलिए कोर्ट ने यह कहा है कि आप मुख्यमंत्री पद का काम नहीं कर सकते। बिकॉज अगर वो काम करने की इजाजत कोर्ट दे दे तो हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग केस है उसको ढीला करने का काम, उसको कमजोर करने का काम वो कर सकते हैं, इसलिए कंडीशन रखी हुई है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये इतना ब्रेव फेस बनाते कैसे, इतनी कड़ी टिप्पणियां जब कोर्ट से आती है, बावजूद उसके मानो ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, ऐसे आविर्भाव में कैसे जा सकते हैं? मैं तो हैरान हूं। इतनी शब्द तो ठीक नहीं है पर इतनी बेशर्मी आती कहां से है, मैं नहीं समझ सकता। सर, लेकिन सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, ऑपोजिशन के काफी सारे लीडर्स भाजपा को ये कह के टारगेट कर रहे हैं कि मुस्लिमों के खिलाफ भाजपा है, कि अगर भाजपा वापस सत्ता में आती है
तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी और बाबा साहेब अम्बेडकर ने खुद जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो तोड़ मरोड़ के रख देगी। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपीजमेंट के पॉलिटिक्स के खिलाफ है, तुष्टिकरण की नीति के खिलाफ है। मैं सवाल पूछता हूं, देश में 60 सालों तक कांग्रेस का राज रहा, अगर कांग्रेस मुस्लिम परस्त पार्टी है तो देश में मुस्लिमों की ऐसी परिस्थिति क्यों है? क्यों वो रिफॉर्म नहीं कर पाई? क्यों उनको जो अधिकार है या जो एजुकेशन है वो उनको नहीं दे पाई? क्यों आज अलग अलग प्रकार के कुंठाओं से मुस्लिम समाज ग्रसित है? क्यों आज केवल वोट बैंक के रूप में मुस्लिम समाज का उपयोग होता है? इसका कारण है कांग्रेस को कभी मुस्लिम समाज को विकसित करना ही नहीं है। उनको यह पता है कि इनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना है तो इनको डराना होगा, वो डर पैदा करते हैं। और हमने तय किया है हम तुष्टिकरण की नीति नहीं करेंगे। हमारा बिल्कुल पहले दिन से प्रिंसिपल है जस्टिस फॉर ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन। और हमने करके दिखाया, मोदी जी ने आज जो 4-4.5 करोड़ घर बनाए जिसमें 20 करोड़ लोग रहते हैं, हमने किसी की जात नहीं पूछी, किसी का धर्म नहीं पूछा, किसी की भाषा नहीं पूछी। आज कितने मुस्लिम परिवार हैं जो मोदी जी के दिए हुए घरों में रहते हैं? कितने मुस्लिम परिवारों के घर में गैस गया? कितने मुस्लिम परिवारों के यहां शौचालय गया? कितने मुस्लिम परिवारों के घर पीने का पानी गया? 60 साल में ये जो नहीं कर पाए वो सारी चीजें अल्पसंख्यकों के लिए और विशेष रूप से मुस्लिमों के लिए मोदी जी ने किए। लेकिन हमने ये पक्का कहा है कि हम वोट बैंक के रूप में आपको नहीं देखते। हमारे लिए गरीब कोई भी धर्म का हो, देखिए कांग्रेस के प्रिंसिपल और हमारे प्रिंसिपल में क्या अंतर है? उनका प्रिंसिपल है कि देश के रिसोर्सेस पे पहला अधिकार मुस्लिमों का है, और हमारा कहना है कि देश के रिसोर्सेस पे पहला अधिकार गरीब का है। उसकी जात मत देखिए, धर्म मत देखिए, भाषा मत देखिए, प्रांत मत देखिए, यह हमारा। और इसलिए हम एक मजबूत भारत बनाना चाहते हैं और ये डिविजिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। और जहां तक संविधान की बात है, 1975 में संविधान को 2 साल के लिए अपनी तिजोरी में बंद करने वाली श्रीमती इंदिरा जी कांग्रेस पार्टी की थी। और आप देखिए 2014 में भी मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में भी मोदी जी को पूर्ण बहुमत था, लेकिन मोदी जी ने संविधान को बचाया, संविधान का सम्मान किया। संविधान दिवस मोदी जी ने शुरू किया तो कांग्रेसियों ने उसका विरोध किया कि संविधान दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए। और जम्मू कश्मीर में 370 लागू करके बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान और बाबा साहेब अंबेडकर का सामाजिक न्याय रोकने वाले कांग्रेसी थे, वहां रिजर्वेशन नहीं था जम्मू कश्मीर में। मोदी जी ने भारत का संविधान पूरे भारत में लागू किया जम्मू कश्मीर सहित, और वहां पर भी सामाजिक न्याय पहुंचा, एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन देने वाले मोदी जी है, रिजर्वेशन छीनने वाली कांग्रेस है। और अब तो कांग्रेस ने बाबा साहब के संविधान का अपमान करने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि जब कर्नाटक जैसे राज्य में वो मुस्लिमों को ओबीसी में शामिल करके और आरक्षण देने की बात करते हैं तो इसका सीधा मतलब क्या है? संविधान सभा में देश के सभी लोगों ने यूनैनिमसली तय किया था कि रिलीजन के आधार पर, धर्म के आधार पर इस देश में किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। अब कांग्रेस दे रही है तो ये बाबा साहब के संविधान को कौन तोड़ रहा है? उनके विचारों को कौन मरोड़ रहा है? उनके साथ भेदभाव कौन कर रहा है? कौन भारत के संविधान का अपमान कर रहा है? वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस है। सो यू टॉक्ड अप रिजर्वेशन एंड दिस इज वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई कांट स्टॉप माइसेल्फ फ्रॉम आस्किंग, हाउ विल द मराठा रिजर्वेशन इश्यू इन महाराष्ट्र अफेक्ट यू? देखिए हमने तो मराठा समाज को आरक्षण दिया है, हमने 10% आरक्षण मराठा समाज को दिया है, लेकिन गांव में अभी भी नहीं। देखिए समझ लीजिए, हमने दिया है और कोर्ट ने भी उस पर स्टे देने से इनकार किया है, कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है, दैट इज ऑन। और अभी हमारे यहां जो सारी भर्तियां हो रही है, जो रिक्रूटमेंट हो रही है, उसमें 10% मराठा रिजर्वेशन लागू हुआ है।
और आप जो गांव की बात कर रहे हैं, ये बात सही है कि कुछ जगह बरगलाने वाली बातें हो रही है, उनको कहा जा रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो चुनाव के बाद भी आपके ध्यान में आएगा मराठा समाज हमारे साथ है। ऑन दैट नोट सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू सीएनएन न्यूज 18। सो दिस वॉज देवेंद्र फडणवीस इन एक्सक्लूसिव कॉन्वर्जेशन विद सीएनएन न्यूज 18 ऑन ऑल इश्यूज दैट मैटर इन दिस बैटल फॉर भारत।